हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 17 है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 पार्ट मैं दे चुका हूँ, 16 के 16 पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट से जाकर देख सकते हैं, फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और सभी पार्ट्स की जो लिंक है, सभी की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और फुल प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, फेसबुक पेज फेसबुक ग्रुप से जुड़ जाइए, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं काफ़ी सारे अपडेट्स करता रहता हूँ, जो कि यहाँ पर भी मैं आके नहीं देता हूँ। बेटा सबसे बड़ी बात देखो, पूरी की पूरी सीरीज ये हर साल के लिए है, हर साल ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि इस साल वाले बच्चे देखो, हर साल हर ईयर वाले बच्चे देख सकते हैं। बाकी जो अगर कुछ पॉलिसीज में चेंज होगा तो इसी प्लेलिस्ट को हम आगे बढ़ा देंगे और चेंज करके बता देंगे। बाकी जो इस साल बच्चे पेपर देंगे, इस सेमेस्टर में जो पेपर देंगे, उनके लिए तो ये मैं कह रहा हूं बिल्कुल रामबाण उपाय हो सकता है। बाकी क्योंकि देखो बीसीए वगैरह कोर्स में कुछ चेंज होता नहीं है, तो हर साल के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं। बेटा देखो अभी तक 16 पार्ट दिए हैं, और रोज के अगर आप 25-25 मिनट के, अगर 15-15 मिनट के, 13-13 12-12 मिनट की वीडियोस अगर आप रोज की एक-एक वीडियो भी देखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। और देखो बिना वीडियो को स्किप करे हुए देखो, बस मैं इतना चाहता हूं फुल वीडियो देखो। और ये कितनी वीडियो, अभी 17वां पार्ट आ रहा है, 16 वीडियो ही तो दिए हैं, फटाफट से कर लो यार। अभी अपने पेपर से पहले ना कंप्लीट कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बेटा। ना आपको कोई प्रीवियस ईयर पढ़ने की जरूरत, कुछ भी पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस इन वीडियोस को देख लो, एक कॉपी बना लो, आप देखोगे कि आपका पूरा पेपर इस वीडियो सीरीज में ही आ गया। और बिल्कुल ये फ्री है, इनके लिए मैं कोई कुछ चार्ज थोड़ी नहीं कर रहा। तो बेटा जितने ही बच्चे देखना चाहते हैं, बस देखो आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हो सके तो अपना प्यार दिखाओ। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दिया करो, बस यही मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन होगा। बाकी मैं आप लोगों के एक तरीके से भविष्य की कामना करता हूं कि आप अच्छे तरीके से अपने पेपर वगैरह देकर आएं, बहुत अच्छे से नंबर लेकर आएं। क्योंकि बार बार देखो मैं एक ही बात आपको बता दूं कि मैथ्स में बच्चों की काफ़ी बैक लगती है, और बेटा बैक लगने के बाद की जो दिक्कतें होती हैं ना, उसे आप ऐसे ही ले रहे हो, केवल इतना सोचते हो कि हम एक फॉर्म भरेंगे, पेपर देकर आ जाएंगे और हमारी बैक हो गई क्लियर। बेटा ऐसा नहीं होता है, बैक के बाद आपकी मार्कशीट पर नंबर चढ़वाना आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेज में आपको आपकी अटेंडेंस शीट निकलवानी पड़ेगी। अटेंडेंस शीट की फोटोकॉपी लेकर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी में बतेरी सारी लंबी लाइन लगी रहती है, यूनिवर्सिटी में कुछ बंद हो गया तो फिर आपको अगले दिन आना होगा, है ना। तो वहाँ के जो अधिकारी वगैरह जो होते हैं, जो काम करते हैं, वे भी थोड़े से नखरे दिखाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर आपको वहाँ यूनिवर्सिटी दोबारा से जाना पड़ेगा मार्कशीट के लिए, पहले नंबर चढ़ेंगे फिर मार्कशीट के लिए जाना पड़ेगा, फिर वहाँ येलो लिफाफा वगैरह जमा करना होगा। तो मतलब बहुत एक बड़ा प्रोसीजर होता है, ऐसा ही नहीं है कि आपने बैक का फॉर्म भरा और तुरंत आपका बैक क्लियर हो गया। तो देखो बेटा इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो, केवल इतना कर जाओ कि आप पास हो जाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो जो रियलिस्टिक बंदे होते हैं, जो बिल्कुल दिल से पढ़ाने वाले बंदे, यूट्यूब पर इतने नहीं मिलेंगे। बेशक मैं जानता हूं कि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, पर आप लोग देख सकते हो कि सारे पार्ट्स में मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करने में लगा पड़ा हूं। बट उस तरीके से आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे। देखो भाईचारा और प्यार देखो और बहनचारा तो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, दबा के शेयर करो, अपने भाई को सपोर्ट करो, और आगे भविष्य में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज किसी भी कोर्स की देखने के लिए जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करो। बस आप लोगों से मैं यही प्यार चाहता हूं। इसके अलावा मैं बोल ही चुका हूं कि भाई देखो कभी भी इस YouTube चैनल पर मैं पेड क्लास कभी भी कुछ रखूंगा ही नहीं, कभी भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं शिक्षा की क्या वैल्यू होती है। क्योंकि शिक्षा को हम पैसों से कहां खरीद सकते हैं भैया, बस वही है, फिर नहीं तो भाषणबाजी हो जाएगी, वीडियो हमारी लेंथी हो जाएगी। बाकी वीडियो करते हैं स्टार्ट, जितनी बातें मैंने बोली है इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। 17th पार्ट है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, काफी बार पेपर में रिपीट है, इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, ठीक है। और वीडियो वगैरह अच्छी लगती है तो फटाफट से हमारी वीडियोज वगैरह को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को हम देखते हैं। बेटा क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है इफ ए इज इक्वल्स टू, एक सेट दिया गया है ए एंड बी का, और बी का एक सेट दिया है, सी एक सेट दिया है, तो कह रहा है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है जी हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। तो जो मेरे पास बी है, बी क्या है भैया, 2, 3, 5, 6, 7 इंटरसेक्शन। सी क्या है मेरे पास, सी है राजी 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है।
देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो इनका क्या होगा, इंटरसेक्शन होंगे। आ रही है बात समझ में? यूनियन में क्या, यूनियन में सारे नंबर आ जाएंगे इस सेट के भी और इस सेट के भी, बस वो क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटेड होने चाहिए, रिपीट वो नंबर नहीं होने चाहिए। बट हमें क्या करना है, यहां इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बेटा देखो यहां 5 है, यहां भी 5 है, यहां 6 है, यहां भी 6 है, यहां 7 है, यहां भी 7 है। तो बेटा जो इसका जो ए बी इंटरसेक्शन जो सी आया है वो क्या है आपका 5, 6 और 7, क्योंकि 2, 3, 5 वो 2, 3 और यहां पर देखो 8, 9 ये ऐसे एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में अवेलेबल नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो बेटा B इंटरसेक्शन C आपका निकल चुका है। अब जो पूरा जो क्वेश्चन है मेरा, ये छोटा सा जो क्वेश्चन है, ये क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ये फाइंड करना है। तो देखो A क्या दिया हुआ है आपको, A दिया गया है, A और B दिया गया है, ठीक है, और क्रॉस B इंटरसेक्शन C मेरे यहां निकल का आया है 5, 6 और 7। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का है लेने का उद्देश्य क्या था कि बच्चों जो इंटरसेक्शन तो निकालना जानते हैं, यूनियन भी निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा, बट जो क्रॉस में वो गलती करके आते हैं। मैं काफी बार जब कॉपी चेक करता हूं तो बच्चे क्रॉस में गलती कर देते हैं। देखो छोटी छोटी सी चीजों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है एक एक नंबर के लिए हमें लड़ना है, जब जाके हमारी परसेंटेज अच्छी बननी है। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो ए क्रॉस बी बेटा कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर बेटा इनके सेट बनते हैं, मतलब इसको फिक्स करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ये क्या जगह 1, 5, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, इसके साथ इस एलिमेंट को लिखना है, ठीक है, ये हमने फिक्स कर रखा है। फिर ए को लिखना है 6 के साथ में, किसके साथ में, ए को 6 के साथ में, फिर ए को ही लिखना है 7 के साथ में, ठीक है जी। फिर बेटा यहां बी को फिक्स कर देंगे, बी कोमा 5 आ जाएगा, ठीक है जी, बी कोमा 5, ये बी है, ठीक है, बी कोमा 5 आ जाएगा, फिर बी कोमा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी कोमा 6 आ जाएगा। यहां देख लीजिएगा b कोमा 6 आ जाएगा, ये रहा भाई, इसको इसके साथ लिख लिया, इसको इसके साथ, और b कोमा 7 आ जाएगा ये। तो बेटा जो निकल के जो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c आया बेटा, ये निकल गया है, क्या निकल गया है, ये निकल के आया है। आ रही है बात समझ में? देखो इतना आसान सा क्वेश्चन था बेटा, काफी बार ये 3-4 नंबर में पूछा जाता है, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का। तो मेरे को बताओ समझ में आया नहीं आया, फटाफट से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फटाफट से इसे अपनी जो कॉपी आपने बना रखी है उसमें इसे नोट डाउन करते चलो। और बार बार बोल रहा हूं कॉपी जरूर बना लो, कॉपी 17 के 17, 18 18 जितने भी पार्ट में कराऊंगा सभी की कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो, उसमें सारे क्वेश्चन लिख लो, लास्ट टाइम पर पेपर से एक दिन पहले उन क्वेश्चन को देख जाना, सारी वीडियो को रिपीट कर जाना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी, अगर कुछ कोई पॉइंट वगैरह होता है तो आप पूछ सकते हैं, जैसे मैंने बताया फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूं, तो वहां आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे बेटा, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि देखने में इतना बड़ा सा और खतरनाक सा लग रहा होगा, बट है बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं इसको। और कोई भी मतलब ये समझ लो, ये वाला जो क्वेश्चन जब भी आता है तो ये बेटा 10 नंबर 15 नंबर में ही आता है, और सबसे छोटा क्वेश्चन है 4-5 लाइन का, ठीक है। बस वही है कि जिस बच्चे कंसेप्ट क्लियर होंगे उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, बाकी समझ में ना आए तो बार बार पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है, ए वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट अल्फा बीटा गामा, एक प्लेन है जो कि पासेस हो रहा है, जो पास हो रहा है एक फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा से, एंड मीट्स द एक्सेस ऑफ रेफरेंस इन ए बी सी, मतलब वो एक्सेस के रेफरेंस से क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, मतलब मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो बोल रहा है शो दैट, देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट की जो लोकस है, लोकस मतलब नाभिलम जीवा, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन थ्रू ए बी सी पैरेलल टू दी कोऑर्डिनेट्स प्लेन इज अल्फा एक्स की पावर -1 प्लस बीटा वाई की पावर -1 प्लस गामा जेड की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। ये बेटा आपको प्रूफ करना है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो कुछ बच्चे इसे इनवर्स सोच रहे होंगे, इनवर्स नहीं है बेटा, ये इनवर्स नहीं है, ये है पावर -1, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप लोग ये देखो,
एक प्लेन है, एक पॉइंट से होकर जा रहा है। किस पॉइंट से होकर जा रहा है? किसी भी, मान लो यहां पर दिखा रखा है वैसे तो अल्फा बीटा गामा से होकर जा रहा है। एक पॉइंट, एक प्लेन है जो कि किसी भी पॉइंट से होकर जा रहा है। तो अगर उस पॉइंट से होकर जा रहा है तो इट मीन्स उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, उसकी इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो मैं यहां पर मेनली डायग्राम बनाए तो डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कुछ। इसे आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसे वाई मान लीजिए और इसे जेड एक्सिस मान लीजिए, ठीक है। अगर कोई एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट मेरे को लेना होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1,0,0, और कोई मेरे को वाई एक्सिस पर लेना होगा तो 0,b,0। एंड बेटा कोई जेड एक्सिस पर अगर मेरे को कोई पॉइंट लेना होगा तो ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये वाला पॉइंट होगा मेरा 0,0,c। और ये बेटा बात समझ में होगा या नहीं होगा मेरे को बता दो। बिल्कुल होगा भाई, एक क्वेश्चन मैं ऐसा ले भी चुका हूं पहले से, ठीक है। और सेंटर इसका है ही जो 0,0,0 या बोल सकते हैं ओरिजिन, ठीक है, जिसे मूल बिंदु बोलते हैं। तो बेटा जो प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जो प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। इसे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लो बेटा? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है वाली बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने पहले भी बताई आपको, ये प्लेन की क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। क्लियर है वाली बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो ये ही वाला प्लेन, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये ही वाला प्लेन मेरा किस पॉइंट से होकर जा रहा है? अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और गामा से होकर जा रहा है प्लेन। Passes through the point alpha, beta and gamma. यहां देख लेना, ठीक है। इस पॉइंट से होकर जा रहा है तो इट मीन प्यारे बच्चों ये एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है बेटा? ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू है। तो फटाफट से इसमें पुट कर दो। तो अल्फा अपॉन ए प्लस बीटा अपॉन बी प्लस जेड की जगह पर क्या जाएगा? गामा अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1। बेटा इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकता हूं मैं। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से जाता हूं, अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करता हूं या इन दोनों की अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे पास जो बेसिक रिजल्ट निकल आएगा उसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इधर यहां तो ये डायग्राम ही हो गया आपका इतने में, इतने हिस्से में, ठीक है। तो उसे मैं अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो बेटा मेरा क्या निकल गया? अगर मैं इसकी कंपेयर कर रहा हूं प्यारे बच्चों, तो जो मेरा निकल के आ रहा है बेटा क्या आ रहा है? अल्फा अपॉन एक्स प्लस बीटा अपॉन वाई प्लस गामा अपॉन जेड और इज इक्वल्स टू मैं 1। क्लियर है वाली बात? किसी को दिक्कत ही नहीं होगी अगर इन दोनों की कंपेयर मैंने की है। अब प्यारे बच्चों एक बार ध्यान से देखो, प्यार से देखो, मोहब्बत से देखो बिल्कुल। अगर इन दोनों कंपेयर कर ये निकल गया, अब जो ये एक्स है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा भाई, नीचे प्लस की 1 है पावर, यानी सभी में प्लस की 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएंगी पावर? नेगेटिव हो जाएंगी। तो अल्फा इंटू एक्स की पावर -1 प्लस बीटा इंटू वाई की पावर -1 प्लस गामा इंटू जेड की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1। और प्यारे बच्चों जो आपको प्रूफ करना था, जो आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड एचपी। क्लियर है वाली बात? देखो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, दिख पा रहा है सही से, बहुत बढ़िया। तो देखो समझ में आया नहीं आया ये क्वेश्चन? बताओ मुझे, इतना आसान सा, इतना छोटा सा क्वेश्चन बेटे लोगों में पूछा जाता है। और ये बस मतलब ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से कभी नहीं डरना, और ना इतना खतरनाक कि जो रिजल्ट आपको दे रखा है कि भाई इसमें तो ये दे रखी है, ऐसा दे रखा वैसा, इन चीजों से डरना ही नहीं है। मैथ्स लाइक है पबजी, मैथ्स लाइक है गेम, मैथ्स में तो काफी मजा आता है, बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा आपको। तो कोई दिक्कत परेशानी है, कोई भी कोई डाउट होता है, कुछ भी कुछ पूछना होता है तो फटाफट आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, बार बार बोल रहा हूं।
वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ और फटाफट से देखो जितनी वीडियोस हैं फटाफट से देख लो, बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियोस को देखो। और देखो लाइव क्लास वगैरह मैं संडे में लूंगा बिल्कुल, तो संडे में लाइव आऊंगा, तो कोई भी डाउट वगैरह कोई भी कुछ क्वेश्चन वगैरह होता है या कुछ भी होता है तो आप जरूर पूछें। बाकी सारे क्वेश्चन सारा सिलेबस मैं बिल्कुल फ्री करवा रहा हूं, तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दिखाएं। और देखो अभी आने वाले टाइम में हर पार्ट की हर कोर्स की मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लॉन्च करूंगा, तो जितने भी आपके भाई बहन या दोस्त वगैरह हो तो हमारे चैनल का उन्हें जरूर बताइए। देखिए बीएससी एमएससी बीसीए की चली रही है, सभी की मैं वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके लिए एक रामबाण उपाय होगा एग्जामिनेशन के लिए कि आपको कोई भी ना तो कोई पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा और ना आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेने पड़ेंगे। वाकई में अगर आपकी हेल्प हो रही है तो अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।